हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में। यहां पर आपको सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वह आपका एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर अदर कोई भी स्टेट का आपका टेट एग्ज़ाम्स हो। हर तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि मोस्ट यूजफुल हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें ताकि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी हुआ करता था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो चार दिए हैं इनमें से कौन कौन से कारण हैं जो आपके यहाँ कुआँ सूखने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है या वह नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार या सीमेंट से ढक दी गई है। कुओं का पानी उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन कौन से आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बी, सी और डी। सेकेंड है आपका सी, डी और ए। थर्ड है आपका ए, बी और डी। एंड फोर्थ है आपका ए, बी और सी। तो आपको बताना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से तीन कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ए, बी एंड डी, ये जो कारण है कुआं सूखने के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका, जिन झीलों में या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं रहे हैं। पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है, इसलिए भी कुएं सूख रहे हैं। एंड आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, इसलिए भी कुओं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। यह ऑप्शन नंबर फोर है आपका, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका आंसर हो जाएगा। क्या कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर वन है आपका अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी है आपका बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका थिम्पू एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका काबुल। तो आपको बताना है कि रेत के पहाड़ जिन्हें हम रेत के टीले भी कहते हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, अबू धाबी
जो रेत के पहाड़ है जिन्हें हम रेत के टीले कहते हैं वह अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों? बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित क्यों किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए ही जो उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि जो पर्यावरण में जो मुख्य थीमें हैं वह कितनी हैं, 6 हैं। पर्यावरण में मुख्य 6 थीमों को लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो आपको बताना है कि जो 6 मुख्य थीमें हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका आवास, ऑप्शन नंबर 2 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है काम और खेल, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका भोजन। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा थीम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, काम और खेल। ठीक है फ्रेंड्स, जो काम और खेल है वह थीम के रूप में नहीं लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में कक्षा 1 और 2 के लिए। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, एंड डी है आपका, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो आपको बताना है कि जो 4 दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से सही होंगे एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका केवल डी, केवल ए और डी, एंड ए सी और डी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए सी और डी, मतलब बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों की स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति खालिस्तान है। पाठ्यपुस्तक का पाठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं,
कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो किस्से कहानियां हैं वह बच्चों को अध्ययन से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है, इसके द्वारा बच्चे जो हैं वह अध्ययन के प्रति रुचि दिखाने लगते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, एंड पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पर्यावरण है उसमें NCF के द्वारा बताया गया है कि हमें परिभाषाओं और वर्णनों पर बल नहीं देना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रटन प्रक्रिया का बिल्कुल विरोध किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य खालिस्तान है। किस उद्देश्य को लेकर के जो शिक्षक है वह क्रियाकलापों के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ए, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है आपका केवल सी, सेकेंड है बी सी और डी, थर्ड है ए बी और सी, एंड फोर्थ है आपका केवल डी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका चारों ऑप्शंस में से, कि कौन कौन सी उद्देश्य हैं जिनके लिए जो शिक्षक है वह प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए बी और सी। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने के लिए, बच्चों को खोजने का अवसर देने के लिए, और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। मतलब ये जो तीनों उद्देश्य हैं ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो शिक्षक है वह प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, मतलब थर्ड, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मकता कौशल का विकास करेगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है आपका ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड है आपका बी और सी, बी सी और डी, थर्ड है आपका केवल सी और डी, एंड फोर्थ है आपका केवल बी और सी। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी मतलब बी सी एंड डी। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा,
एंड यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मकता कौशल का विकास करेगा। ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट सहभागिता, सेकंड याद करना, थर्ड प्रश्न पूछना एंड फोर्थ न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका सही हो जाएगा, याद करना। जो रोट लर्निंग है उसका बिल्कुल विरोध किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद करना सांकेतिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, जो स्व आकलन है वह क्या है? सीखने के समान आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या फिर CCE है। तो आपको बताना है कि स्व आकलन क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीखने के समान आकलन। ठीक है, जो स्व आकलन होता है वह सीखने के समान आकलन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका केवल सी और डी, सेकंड है केवल बी और सी, थर्ड है आपका केवल बी और डी, एंड फोर्थ है आपका केवल ए और डी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन थे, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, और फोर्थ है आपका कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो कौन कौन से आपके करेक्ट हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन ए और बी क्या हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, एंड फोर्थ है आपका बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपको निगेटिव बताना है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा एक गलत दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे नेगेटिव बताना था, इसलिए जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस जिन्हें हमने आपके साथ में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपने आउट ऑफ 15 कितने स्कोर गेन किए हैं। ठीक है, कितने स्कोर आपने किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।